हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप सबको मिस्टर फैमिली ब्लॉग की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली की। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का टाइम है और अब हम बनाने जा रहे हैं, किचन में अपने लग गए हैं, बनाने जा रहे हैं सब्जी। तो यहाँ पे हमने टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक को काट करके थोड़ा तेल में तल लिया है। उसके बाद इसको हम मसाला इसका पीसेंगे, तब सब्जी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली, तो बहुत सारा काम है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही दिखाएंगे। और ये मैं चावल बनाने के लिए चावल निकाल रही थी, इसको भिगो दूंगी। पुलाव वाला चावल है ये। और उधर मैंने रखा है सूरन उबाल कर, उसको हम छील लेंगे और छील के फिर उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो सूरन की सब्ज़ी बनाएंगे सूखी, और रसेदार सब्ज़ी बनाएंगे मटर पनीर की, और चावल और पूड़ी बस इतना ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम छौंक लगा रहे हैं सब्ज़ी में। तो सबसे पहले हम सूरन की सब्ज़ी बना लेंगे, और इसमें मैंने हींग जीरा का तड़का दे के मसाले डाल दिए हैं। ये मसाले में डाल के इसको भून के अच्छी तरह, और थोड़ा गरम मसाले और हल्दी पाउडर, मिर्ची उर्ची सब डाल के इसको बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज बहुत सारा काम है, तो ज़्यादा मैं डिटेल में खाने की वीडियो नहीं बना पाऊँगी, और थोड़ा बहुत बस आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर हम देखिए, हम गरम मसाले डाल दे रहे हैं। फिर अभी छोटा सा दिन होता है, बहुत सारा काम है, जल्दी जल्दी सब करना है, दिवाली की तैयारी भी सब करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी सूरन की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। हमने डाल दिया इसमें थोड़ा सा पानी, और इधर मैंने कट कर लिया है पनीर, मटर रख लिया है, और पनीर के लिए मसाले पीस लिए हैं। ये थोड़ा सा मटर पनीर अलग से रख लिया है पुलाव में डालने के लिए। और ये मेरा चावल बनके रेडी हो गया है, हम इसमें छौंक लगाएंगे। तो उधर मेरा खाना बन गया था, और इधर हम आ गए थे आप लोगों को दिखाने कि हमने छोटी सी रंगोली बनाई है। मुझे ज़्यादा रंगोली बनानी नहीं आती है, बस उल्टा सीधा जैसे बना वैसे ही बना लिया, क्योंकि कहते हैं दरवाजे के सामने रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। तो ये हम लाए थे, वो जो बोलते हैं चलनी रंगोली वाली, उससे ये बनाए थे सूल्हा वाला, और ये वाली हम अपने हाथ से बनाए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इधर ये बाहर बरामदे में हम एक किनारे इधर और एक किनारे इधर दो बना दिए थे सुबलाव। और ये मेरी बिटिया रानी जुटी थी। तो फ्रेंड्स, इधर शाम हो गई थी और हम लोग पूजा करने बैठ गए थे। तो पूजा का टाइम मुहूर्त, शुभ मुहूर्त था 6 से 6:15 तक का। तो हम लोग 6:30 बजे बैठ गए थे, 6:30 बज गए थे 7:30 पूजा करते करते। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली की, और मेरी पूजा हो गई है, और अभी बच्चे उधम मचाए हैं बाहर, सब फुलझड़ी उजड़ी सब चला रहे हैं, तो हम भी जा रहे हैं भी देखने। मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है, पर थोड़ी बहुत तो वही फुलझड़ियाँ चला लेती हूँ। तो फिर आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइएगा, और आप सबकी दिवाली कैसी रही है भी बताइएगा। और अगर को मेरी दिवाली अगर अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं थोड़ा बाहर, तब तक लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आ गए थे अपने बरामदे में, थोड़ी सी फूलझड़ी जलाने, तो बस मैंने बस दो चार ही फूलझड़ी जलाई और सब बच्चों ने जलाई और हम थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद हम चले गए घर में। तो आप लोग भी इंजॉय करिए फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो के लिए करिए थोड़ा सा इंतज़ार, तब तक के लिए बाय बाय।